तो गाइस कद्दू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कद्दू लिया है, ये ग्रीन वाला है। इसकी स्किन को मैंने रिमूव नहीं किया, मैं तो इसी तरह से इसको बनाती हूँ। और ये सॉफ्ट होता है इसलिए इसकी स्किन बहुत जल्दी गल भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर गाइस इसको वॉश अब अच्छी तरह कर लीजिए 3-4 times। अब एक कद्दू हमारा वो भी आता है बहुत येल्लो हार्ड सा होता है, उसमें आप स्किन उसकी जरूर रिमूव करें क्योंकि उसको पकने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है और इस तरह से मैंने इसके पीसेस काटे हैं। तो सब्जी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो है ओनियन। ओनियन इस तरह से मैंने चॉप किए हैं और इसको मैंने खोल भी दिए हाथ से इस तरह से। यहाँ पर मैंने फेनुग्रीक सीड्स लिए हैं, मेथी के दाने, 2 देगी मिर्च ली है, हींग ली है, गार्लिक लिया उसको भी इस तरह से ही मैंने चॉप किया है, और ग्रीन चिली 2 ली है। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने टमाटोज लिए हैं 2। तो टमाटोज कद्दू में, यस गाइस यही ट्विस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। यहाँ पर जो ऑयल है मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कद्दू की सब्जी अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको हम गरम होने देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फेनुग्रीक सीड, मेथी के दाने। मेथी के दाने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हम हींग। दो देगी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ और ग्रीन चिली भी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारी फेनुग्रीक की सीड क्रैकल होगी, इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे ऑनियंस, जो हमने ऑनियन चॉप्ड कर रहे थे वो डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइप पे मैं गार्लिक भी ऐड कर रही हूँ इसमें। इसका कलर थोड़ा सा हमें ब्राउन लाना है, तब तक इसको इसी तरह से मिलाते रहेंगे। अभी इसी टाइम पे जो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था उसको भी ऐड कर देंगे। ये टोटली ऑप्शन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी इसको मैं और इसी तरह से ही करती रहूँगी क्योंकि अभी ऑनियन का कलर वैसा नहीं आया जैसे हमें चाहिए। तो यहाँ पर ऑनियन का कलर भी चेंज हो गया, इस टाइम पे जो मैंने कद्दू काटा था इसको पेटा भी बोलते हैं, तो इसको ऐड कर दूंगी इसमें। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मेरी लो मीडियम पे ही है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अभी इसमें मैं मसाले ऐड नहीं करूँगी, इसको कुछ सेकंड तक इसको इसी तरह से लो फ्लेम पे हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे। ये फ्लेम मेरी लो ही है और इस टाइम पे मैं इसमें मसाले ऐड ना करके मिक्स मैंने कर दिया, लीड से इसको अभी कवर कर दूँगी कुछ सेकंड के लिए। तो गाइस यहाँ पे 30 सेकंड तक मैंने लीड को कवर करके इस तरह से ही इसको कुक किया है। अब यहाँ पे मैं मसाले ऐड करूँगी, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है क्योंकि मिर्च, देगी मिर्च मैंने डाली थी और 2 मैंने ग्रीन चिली भी डाली थी इसमें, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर भी थोड़ा थिक वाला ही है वही यूज़ कर रही हूँ मैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही डालना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो
गाइस अच्छी तरह मिक्स हो गई है। इसमें पानी में बहुत थोड़ा सा डालूंगी ताकि बस ये कुक होने में हमें थोड़ी सी हेल्प करें, बाकी पानी ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम पानी डालना है। मैंने इतना सा ही पानी डाला है इसमें और फिर लीड को ढक देंगे और मैं इसे लो मीडियम के फ्लेम पे ही इसको कुक करूँगी और इसको 10-15 मिनट्स लगेंगे हमारे जो कद्दू है उसको पकने में, तो इसको इसी तरह से हमें कुक करना है। तो गाइज मैंने लीड कवर करके लो फ्लेम पे इसको कुक किया है। इस तरह से कुक करेंगे तो ईजिली जो भी जिस टाइम तक भी ये गलेगी उसी वही टाइम लगेगा इसमें। तो इसको अब मिक्स कर देंगे अच्छी तरह और साथ में चेक भी कर लेते हैं कि गल गए हैं कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो गाइज कद्दू हमारा पक चुका है, अब इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी टमाटोस, बीच में ऐसे कर देंगे इसको डाल दूँगा। अब इसी टाइम पे इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। कश्मीरी मिर्च भी डाल रही हूँ मैं कलर के लिए। बस इसको फिर कवर कर देना है, हमारे टमाटोस पकने चाहिए, गल जाएंगे। तब तक हमें इसको इसी तरह से कुक करना है, लो फ्लेम पर ही इसको कुक करना है ताकि हमारा पेठा भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और टमाटोस भी। तो यहाँ पर हमारे टमाटोस भी गल चुके हैं, ये देख सकते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे स्पेशल जो इसका इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो है अमचूर पाउडर, इसी से इसमें अच्छा टेस्ट आता है, उसको डाल दूँगी। और गाइज यहाँ कद्दू मैं खट्टा मीठा बना रही हूँ तो यहाँ पर शुगर भी मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस इसके बाद इसको आपको कुछ सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए कवर करके कुक करना है। तो गाइज यहाँ पे 30 सेकंड हो गए हमारी ये सब्जी डन है, तो कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है और कितनी अच्छी लग रही है और ये टेस्टी बहुत बनती है। इस तरह से अगर आप कद्दू की सब्जी बनाएंगे तो जो नहीं भी खाते हैं वो भी खाएंगे और बहुत अच्छा गाइस बहुत अच्छी बनती है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। अब इसके बाद मैंने कसूरी मेथी ली है, इसको ऐसे क्रश करके डाल दूँगे। तो कसूरी मेथी मैंने डाल दी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। तो गाइस हमारी कद्दू की सब्जी तैयार है, अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो गाइस हम सर्व कर लेते हैं, तो देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है और कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। तो गाइस देखिए कितनी टेस्टी सब्जी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। ट्रस्ट मी गाइस, इसको इसी तरह से अगर आप बनाएंगे, इसकी स्किन को आपकी वो है कि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मगर इस तरह से ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी हिट कीजिए ताकि उसकी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।